तारीबे तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं गौरव रंजन आपके सामने उपस्थित हूं। आपका टीईटी का बैच हमारी संस्था में प्रारंभ हो गया है। आप अति शीघ्र इस बैच से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के गए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, हमारा इतिहास रहा है, हमने जो भी बैच चलाए हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो भी बैच चलाए गए हैं उन सभी बैचों में हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया है। और यहाँ से बच्चे सभी बच्चे खुश होके गए हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है। आपको अमृतसर पढ़ा रहे थे, मैंने देखा था उनका वीडियो। अमृतसर जब पढ़ा रहे थे तो कोई एक गर्ल्स है, मुझे नाम तो याद नहीं है, उन्होंने कमेंट किया है कि सर मुझे डर लग रहा है। तो किसी दूसरे ने ये भी कमेंट किया है किस बात का डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि हमारी फीस फंस जाएगी। तो शायद हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर पहली बार वो हम लोगों को देख रही हो, इसलिए उनके मन में ऐसी शंका हो। लेकिन आपको मैं यकीन दिला देना चाहता हूं, जो भी हैं आप, मुझे नाम तो नहीं मालूम, आप अगर मेरी बात सुन रही हैं तो अच्छे से समझ रही होंगी कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी पैसा फंसता नहीं है। हम जो भी प्रॉमिस करते हैं, जो भी आपसे वादा करते हैं, वो हमारी टीम, हमारे सर, सभी लोग जो हमारे मित्र हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे साथ जो पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करते हैं। जो भी आपसे कमिटमेंट किया जाएगा, वो चाहे मैं हूं, चाहे रवि सर हो, चाहे भी कोई टीचर हो, आपका कमेंट वो जरूर करेंगे, ठीक ना। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में UPTET के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक नंबर जारी किया गया है, नंबर मैं आपको बता देता हूं। नंबर आपके लिए जारी किया गया है और नंबर आपका ये रहा, मैं एक बार नंबर यहां पे मेंशन कर देता हूं, जो लोग भी इच्छुक हैं नंबर उनको बता दे रहा हूं मैं। और नंबर है 8382 8382 8382 9969 6 6 9 6 6 7 9, ठीक ना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं और मैच भी कर लेता हूं, 8382 9 6 9 6 6 7 7 9। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं UPTET के बैच में तो यह नंबर जारी किया गया है। करना आपको इतना है, अपना मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप पे जाइएगा, नंबर सेव कीजिएगा और मैसेज में UPTET entry लिखकर भेज दीजिएगा। हमारी टीम, हमारी टेक्निकल टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी, ठीक ना। यह और अगर आपको कोई भी और समस्या है कि सर कैसे एडमिशन लें, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक शेयर किया गया है, आपको बताया गया है कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो वहां पे नंबर जारी किया गया, नंबर एक ही जारी किया जाता है, तो नंबर जारी किया गया है इस पे आप सुबह से लेकर शाम तक, उसमें टाइम निर्धारित होगा कि समय से समय तक आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन की प्रक्रिया उसमें आपको बता दी जाएगी। चलिए, आज जो लोग पहली बार रूबरू हो रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं पर्यावरण का आपका अध्यापक हूं, ठीक ना। मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा और गारंटी दे रहा हूं कि आपकी UPTET में पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूरा का पूरा, प्रत्येक दिन का पूरा वीडियो हमारा सुनते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर देखते हैं, तो मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं आप पर्यावरण में 25+ मार्क्स लेके आएंगे, 25+ सही क्वेश्चन कर आप आएंगे। देखिएगा, हम अध्यापक हैं, हमारी जो टीम है, हमारी टीम आपके साथ इस एग्जामिनेशन हॉल में, इस क्लासरूम में हम आपके साथ हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हम आपके साथ नहीं होंगे। यहां पर पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से अच्छे करके आए, इसके लिए हम यहां पर भरपूर कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे वहां पर जाके एग्जाम दें और अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करें, ठीक ना। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। उस स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको एक नंबर फिर से दोहरा देता हूं, नंबर दिया गया आपको 8382 9 6 6 7 7 9। इस नंबर पर आप UPTET एंट्री लिखकर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको जो भी एग्जाम एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। आज हम लोग पर्यावरण का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और पर्यावरण का जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में मैं आपको एक बड़ा अहम आज टॉपिक पढ़ाऊंगा और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको आज ही मैं 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर करा देता हूं, ठीक ना। 2 से 3 क्वेश्चन में क्लियर करा देता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, उस टॉपिक का नाम है पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो प्रदूषण, यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, प्रदूषण न केवल पर्यावरण का सब्जेक्ट है बल्कि प्रदूषण जो सब्जेक्ट है या प्रदूषण जो एक आपका चैप्टर है वो पर्यावरण के साथ साथ आपका साइंस का भी पोर्शन है।
हम जब भी पर्यावरण पढ़ते हैं और पर्यावरण में प्रदूषण पढ़ते हैं, तो प्रदूषण में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रदूषण में हम चार बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ये चार बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है कि आखिर प्रदूषण क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि आखिर प्रदूषण है क्या। कोई भी प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रदूषण है क्या। दूसरा देखते हैं प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण। प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदूषण प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो दो प्रकार से प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, या प्रदूषण उत्पन्न किन कारकों के द्वारा हो रहा है। तो प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण, कारण, और दूसरा हो जाएगा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है तो उस प्रदूषण से मानव को कहीं ना कहीं हानि होगी। तो प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, कोई भी प्रदूषण होगा तो उस प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं चाहिए हमें। और प्रदूषण से जब उत्पन्न होने वाली समस्याएं के बाद हम आते हैं कि इस समस्या का हम किस प्रकार इस समस्या को कम किया जाए, या इस समस्या के कम करने के उपाय ढूंढे जाए, यानी इसका नियोजन, यानी इसके उपाय। तो कोई भी प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से बचाव कैसे किया जा सके, इसके हम लोग क्या ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, ठीक ना। कोई भी प्रदूषण होगा, जैसे मान लीजिएगा मैं पढ़ाता हूं आपको पहले, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, तो हम यही लिखेगा ना, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण, या वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, और वायु प्रदूषण से किस प्रकार बचा जा सके, इसके उपाय। यही चार बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, यही चार बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। अगर ये चार बिंदुओं पर आप फोकस कर लिए तो निश्चित रूप से आपको प्रदूषण समझ में आ जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, और हम देख क्या लेते हैं, मैं आज आपको एक प्रदूषण पढ़ाऊंगा, और जो प्रदूषण मैं पढ़ाने चल रहा हूं उस प्रदूषण का नाम है वायु प्रदूषण। हम जो प्रदूषण आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं उस प्रदूषण का नाम है वायु प्रदूषण। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन यह आता है कि वायु प्रदूषण क्या है। हमारे सामने क्वेश्चन सबसे पहले यह है कि वायु प्रदूषण है क्या। तो वायु प्रदूषण क्या, मैं आपको बता देता हूं वायु क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं वायु क्या है। एक दिन जब मैंने आपको पर्यावरण पढ़ा रहा था, पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं जिसमें मेरा फोटो बना होगा, भूगोल वाली क्लास में आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक क्लास में, मैंने एक दिन आपको वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन समझाया था। आखिर जो वायु है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है किसका, गैसों का। तो वायु जो है वो विभिन्न गैसों का क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में कई सारी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जितने प्रतिशत पाई जाती है वह परसेंटेज है 78%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। उसके बाद आपकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है उसका नाम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। अन्य भी महत्वपूर्ण गैसें हैं जैसे आर्गन 0.93%, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद अदर गैसें, अदर अन्य गैसें 0.04%। आप इन सबको जोड़ लीजिएगा तो ये आपका जो आंकड़ा आएगा वो 100% आएगा, 100%। तो वायुमंडल में यह गैसें पाई जाती हैं, अच्छे समझिएगा। ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को एक नाम दिया जाता है, और ऑक्सीजन गैस को नाम दिया जाता है प्राण वायु, प्राण वायु कहते हैं हम। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। यदि 21% ऑक्सीजन जो पाई जा रही है, यदि इस ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाए, कम होने का मतलब है अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज को जोड़ लेते हैं तो एक परसेंटेज आता है आपका 99। कितना परसेंटेज आता है, 99 भाई, 78 और 21 आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ये 99 आएगा। अब मान लीजिएगा हम नाइट्रोजन को, दूसरा तरीका है मेरा समझाने का,
नाइट्रोजन को मान लीजिए मैं 87% मानूं और ऑक्सीजन को मान लीजिएगा मैं 12% मानूं, 12%, ठीक ना। आप इस आंकड़े को भी जोड़ लीजिएगा तब भी आंकड़ा कितना होगा, 99। बात समझ आई? बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर हम वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं उन गैसों में अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज को जोड़ें तो ये आंकड़ा आ जाता है आपका कितना, 99। अगर इस आंकड़े के जो दो डिजिट हैं उन डिजिट को मैं बदल दूं, यानी यहां पर 78 को मैं 87 लिख दूं और 21 को मैं 12 लिख दूं, तब भी ये आंकड़ा आपका कितना आता है, 99। ये बताइएगा हम तब वायु में गैस ले सांस ले पा रहे हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन 21% है। अगर ये ऑक्सीजन 12% हो जाती है तो क्या हम सांस ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे। और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो इस समस्या को हम क्या कह देंगे, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि वायु प्रदूषण क्या है, समस्या है। वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु प्रदूषण एक समस्या है। वायु प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण होगा तो प्रदूषण क्या है, समस्या। तो वायु में उपस्थित गैसों के प्रतिशत में, वायु में उपस्थित गैसें, जो वायु है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण में जो गैसें हैं यदि उन गैसों के अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए, उन गैसों के अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए तो इस परिवर्तन के कारण जो समस्या उत्पन्न होगी उस समस्या को नाम दे देते हैं वायु प्रदूषण। उस समस्या को क्या नाम दे देते हैं, उस समस्या को नाम दे देते हैं वायु प्रदूषण। फिर से सुन लीजिएगा, फिर से, वायुमंडल में जो हमारी गैसें हैं उन गैसों के परसेंटेज में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं तो इन परिवर्तन को करने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। कई प्रकार की जब समस्या उत्पन्न होगी तो इन समस्या, इस समस्या को हम नाम दे देते हैं वायु प्रदूषण। क्या नाम दे देते हैं, वायु प्रदूषण। दूसरी बात, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारी वायु है, वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इस विभिन्न गैसों के मिश्रण में कोई अन्य गैस आके मिल जाती है या किसी गैस के परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्या को हम सांस नहीं ले पाएंगे तो इस समस्या को हम नाम दे देते हैं वायु प्रदूषण। क्या नाम दे देते हैं, वायु प्रदूषण। समझ गए? तो वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण एक समस्या है। जब हम सांस नहीं ले पाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम कह देंगे भैया बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण इसलिए हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। बोलो क्लियर है मेरी बात? जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को अगर हम परिवर्तित कर दें तो जो समस्या उत्पन्न हो जाएगी उस समस्या को हम नाम दे देते हैं वायु प्रदूषण। ठीक ना। अब तो हमने पहली बात जानी कि वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या है। तो हमने जान लिया कि वायु में परिवर्तन, वायु में जो परसेंटेज है गैसों का उस गैसों के परसेंटेज में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन से जो समस्या उत्पन्न होगी उस समस्या को नाम दे दिया गया वायु प्रदूषण। क्या नाम दे दिया गया, उस समस्या को नाम दे दिया गया वायु प्रदूषण। अब प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक या वायु प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, हम चूंकि जो प्रदूषण पढ़ रहे हैं उस प्रदूषण का नाम है वायु प्रदूषण। तो अब हमें जानना यह है कि वायु प्रदूषण उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण हम हेडिंग लगा लेते हैं और हेडिंग लगाएंगे वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कई सारे कारण हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कई सारे कारण हैं। अब वायु प्रदूषण के उत्पन्न होने के जो कई सारे कारण हैं वो कारण कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो जो हम वाहन चलाते हैं, चाहे आप टू व्हीलर की बात कर लें चाहे फोर व्हीलर की, तो वाहनों से निकलने वाली विषैली गैस है, जो हम वाहन चलाते हैं उनसे निकलने वाली विषैली गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। जो हमारा धान का खेत होता है, धान का खेत, धान के खेत से निकलने वाली गैस, और धान के खेत से जो गैस निकलती है उसका नाम क्या है, मीथेन। जो हमारे एसी होते हैं, एसी है हमारा, या रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, या जहां प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाने से, प्लास्टिक को जलाने से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है सीएफसी, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसें जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धान के खेत से निकलने वाली मीथेन गैस, रेफ्रिजरेटर प्रणाली यानी शीतलीकरण की प्रक्रिया, चाहे आपका एसी हो चाहे आपका फ्रिज हो, तो और प्लास्टिक हो, तो प्लास्टिक और एसी और आपका एसी और फ्रिज को चलाने से जो गैस उत्पन्न होती है वो सीएफसी है, और प्लास्टिक को अगर आप जलाते हैं तो प्लास्टिक के जलाने से भी
जो गैस निकलती है उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे खनिज, जो हमारी तेल शोधन फैक्ट्री होती है, जिनको हम तेल रिफाइनरी बोलते हैं, तेल शोधन शालाएं, तो तेल जो हमारी शोधन शालाएं होती हैं, जहां से हम क्या करते हैं, तेल को हम वहां पर रिफाइन करते हैं, तो जो हमारी तेल शोधन शालाएं हैं वहां से भी कई प्रकार के हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड को हम एक्स लिखते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि, ठीक ना, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। जो आपके सुपरसोनिक विमान होते हैं, जिनको हम जेट विमान बोलते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जो उड़ते हैं, जब वो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनकी ईंधन जलने से भी कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो जेट विमान से निकलने वाली गैसें जिसमें क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीन ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना, नाइट्रिक, नाइट्रस और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तीन होते हैं, ठीक ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक ना, ये तीन होते हैं। तो ये कुछ गैसें हैं जो निकलती हैं और इन्हीं गैसों के कारण हमारा जो वातावरण है वह प्रदूषित हो जाता है, हमारी जो गैसें हैं, गैसें जो हमारा वायुमंडल है और वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो यह वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक हैं। वाहन इसका एक कारण हो गया, धान का खेत कारण हो गया, फ्रिज रेफ्रिजरेटर प्रणाली, ठीक ना, फ्रिज एसी है, प्लास्टिक को जलाना है, ये सब क्या हो गए, कारण हो गए। तेल शोधन शालाओं में हम तेल को रिफाइन करते हैं, उससे विषैली गैसें निकलती हैं, एक कारण ये भी हो जाएगा। जेट विमानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, ठीक ना, यह भी हो जाएगा एक कारण, ठीक ना। तो इनको याद रखना है, आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखिएगा, मैंने वायु प्रदूषण क्या है पहले आपको ये बताया, वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण क्या है, या वायु प्रदूषण कैसे उत्पन्न हो रहा है, वायु प्रदूषण को कहां कहां से उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि इससे आखिर समस्याएं क्या होंगी, इससे समस्याएं क्या होंगी। तो देखिएगा, एक एक से हम इसकी समस्याओं को समझ लेते हैं, एक एक से हम इसकी समस्याओं को समझ लेते हैं, आइए इनकी समस्याओं को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण लिख के मैं आपके लिए एक नया शब्द लिख रहा हूं, वायु प्रदूषक। प्रदूषक क्या होते हैं, जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है उनको हम प्रदूषक कहते हैं। तो वायु प्रदूषक किसे कहेंगे, ऐसे प्रदूषक जिनके द्वारा वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषकों के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याएं वायु प्रदूषकों के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो वायु प्रदूषकों के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस गैस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने में लगभग 50% रोल कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, यानी वायु प्रदूषण में जो सबसे अहम रोल निभाने वाली गैस है उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो प्रदूषण है, या ऐसा नहीं बोलते हम, ऐसा बोलते हैं जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसमें लगभग 50% रोल आपके किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब वातावरण में अधिक मात्रा में हो जाती है तो होता क्या है, हमारी जो श्वास नली होती है जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी श्वास नली में प्रवेश कर गई, तो कार्बन ऑक्साइड सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है किस पर, सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है रक्त पर। भाई शरीर के अंदर रक्त का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, एक किसका कार्य है, रक्त का।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो यह रक्त को उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करने देती है, यानी रक्त को उसका कार्य करने में यह बाधा उत्पन्न कर देती है, रक्त को उसका कार्य आसानी से नहीं करने देती है। जब रक्त को अपना कार्य नहीं करने देगी, यानी ऑक्सीजन जब पूरे हमारी बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है, और जब हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा दम घुट रहा हो, जैसे हमारा दम घुट रहा हो। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को एक नाम दे दिया गया, दम घोटू गैस। क्या नाम दे दिया गया? दम घोटू गैस। क्या नाम दे दिया गया? दम घोटू गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दम घोटू गैस किसे कहते हैं, दम घोटू गैस किसे कहते हैं, आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी गैस है जो मानव शरीर में पहुंचकर रक्त को उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करने देती है, आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बताएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी वायु प्रदूषक हैं उन सभी वायु प्रदूषकों में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक ना, इसको याद रखनी है। बस आपको मेरी बात अच्छे से समझनी है, जो डायग्राम में बनाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा उसको बनाते चलिएगा। ठीक ना, फिर से समझ लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो रक्त को उसका कार्य आसानी से नहीं करने देती है, रक्त के ऊपर एक प्रभाव डालती है, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है। जब रक्त अपना कार्य नहीं कर पाता है तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की जिम्मेदारी रक्त की होती है, और जब रक्त ऐसा नहीं कर पाता है तो हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है। जब हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है तो इसी कारण हमारा दम घुटने लगता है, और दम घुटने के कारण इस गैस को नाम दे दिया दम घुटू। जब भी आपको लगे कि हमारा दम घुट रहा है तो समझ जाइएगा आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कौन सी गैस प्रवेश कर रही है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, चलिए दूसरा वायु प्रदूषक हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा वायु प्रदूषक हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता क्या है? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, NO2 और N2O, ये तीन होते हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन गैस विभिन्न स्रोतों से निकलती है, जैसे जो जेट विमान होते हैं, जेट विमान के इंजन से निकलती है, ईंधन के जलने से, जो तेल रिफाइनरीज होती हैं, तेल रिफाइनरी से निकलती है। ठीक ना, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये जब वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में नमी उपस्थित होती है, नमी का मतलब जल। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं या वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करते हैं, और वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करने के कारण एक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, और जिस अम्ल का निर्माण करते हैं उसका नाम है HNO3। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में उपस्थित नमी यानी जल के साथ क्रिया कर लेते हैं तो एक अम्ल बना देते हैं, और इस अम्ल का नाम क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। अब यहां पे बादल बने, बादल बनने के बाद यहां पे क्या होगी? बादल बनने के बाद यहां पर हो जाती है क्या? बादल बनने के बाद हो जाती है वर्षा। बादल बनने के बाद हो जाती है क्या? वर्षा। जब बादल बनने के बाद ऐसे वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ कौन आ जाता है धरातल पर? तो वर्षा जल के साथ नाइट्रिक अम्ल आ जाता है। नाइट्रिक अम्ल बना हुआ है, ऊपर बादल है, तो बादलों से जब वर्षा होती है तो बादल का जो जल होगा वह नाइट्रिक अम्ल को अपने साथ कहां पे लेके चलाएगा? धरातल पर। तो वर्षा जल में यदि नाइट्रिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इस प्रकार की वर्षा को नाम दिया जाता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। क्या नाम दे दिया जाता है? तो इसी को नाम दे दिया जाता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में केवल HNO3 नहीं होता है, अभी और भी पढ़ाएंगे हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। तो अभी यहां पर यही याद रखिएगा, यही वर्षा अम्लीय वर्षा में दो अम्ल होते हैं, तो अभी मैंने एक बताया आपको जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। फिर से समझ लीजिएगा, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित नमी मतलब जल, वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं,
और वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्रिया करने के बाद जब वर्षा होती है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, और नाइट्रिक अम्ल बनने के बाद जब वर्षा होती है तो इस प्रकार की वर्षा को नाम दे दिया जाता है अम्लीय वर्षा। क्या नाम दे दिया जाता है? तो इस वर्षा को नाम दे दिया जाता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के द्वारा क्या होगा, जब मिट्टी में, मिट्टी है, खेत है आपका, जब अम्लीय वर्षा होती रहेगी तो मिट्टी का जो अम्लीय मान होगा वो पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा, पीएच, ठीक ना, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो उसमें हमें अधिक मात्रा में क्षार मिलाना पड़ेगा। तो यदि मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें फसलों की पैदावार सही से नहीं हो पाती है। तो अंततः मैंने क्या बताया कि एक समस्या है वायु प्रदूषण, और ये अगर अम्लीय वर्षा होती है तो इससे मानव प्रभावित होता है, खेती दोनों, मानव भी प्रभावित होगा और हमारी खेती बाड़ी भी प्रभावित होगी, ठीक ना। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे, एक गैस और है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तेल रिफाइनरी से निकलती है, तेल रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है, मथुरा में, मथुरा तेल रिफाइनरी, अच्छे से समझिएगा। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 गैस को लगातार, यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यानी SO2 गैस को हम लगातार किसी पत्थर पर डालते रहते हैं, एक पत्थर है आपके पास, यदि उस पत्थर पर लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता रहे, उसका सल्फर डाइऑक्साइड एक पत्थर पर लगातार उसे प्रहार किया जा रहा है, डालती जा रही है, हम किसी पत्थर पर बार बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाला है तो वह पत्थर टूट जाता है, पत्थर को तोड़ने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एक नाम दे दिया जाता है क्रैकिंग गैस। क्रैक मतलब टूटना। क्या नाम दे दिया गया इस गैस को, एक नाम दे दिया गया क्रैकिंग गैस। आपसे पूछा जाता है कि किस गैस को क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड जब चिमनियों, जो तेल रिफाइनरीज की चिमनियां होती हैं, जब तेल, तेल शोधन जो कारखाने होते हैं, जब ये बाहर निकलती है तो यह भी वायुमंडल के साथ, वायुमंडल में जो नमी होती है उससे क्रिया करके H2SO4 बना देती है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, किसका निर्माण कर देती है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देती है। अब फिर से वही बात कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन चुका है, अब बारिश हुई, यहां पे बादल बने, यहां पे बादल बनने के बाद जब वर्षा होगी तो इस वर्षा में, तो इस वर्षा में वर्षा जल, इस वर्षा में वर्षा जल के साथ साथ H2SO4 धरातल पर आएगा। जब वर्षा जल के साथ H2SO4 धरातल पर आता है तो इसको एक नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है एसिड रेन। क्या नाम दिया जाता है इसको, नाम दे दिया जाता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा में दो अम्ल होते हैं, एक का नाम है H2SO4 और दूसरे का नाम है HNO3। H2SO4 और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है HNO3। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड जहां से गैस निकल रही है, इस सल्फर डाइऑक्साइड निकलती गैस मथुरा से, उत्तर प्रदेश की, और मथुरा से थोड़ी दूरी पर एक शहर है आगरा, प्रेम की निशानी है यहां पर, और यहां पर प्रेम की निशानी कौन है, ताजमहल। ताजमहल क्या पत्थर है, तो उस मथुरा आगरा इटावा मैनपुरी के क्षेत्र में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। तो अम्लीय वर्षा होने के कारण जब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या तो सीधे या अम्लीय वर्षा के होने के कारण ही जब ताजमहल पर अम्लीय वर्षा होती है, यानी जब आगरा के क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन पीला होता जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन पीला होता जा रहा है किस कारण से, एक ऑप्शन मिलेगा अम्लीय वर्षा, एक ऑप्शन मिलेगा अम्लीय वर्षा। अगर अम्लीय वर्षा ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा H2SO4। दूसरा, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय के बाद ताजमहल छत विच्छेद हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मथुरा के क्षेत्र से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि क्रैकिंग गैस है, जिसका यूज पत्थर को तोड़ने में किया जाता है। ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है, पत्थर से हुआ है। तो अगर ये लगातार ताजमहल पे पड़ती रही, लगातार अगर इसका प्रहार ताजमहल पे होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ताजमहल टूट जाएगा। ताजमहल क्या हो जाएगा, ताजमहल टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि उस वाले क्षेत्र से तेल रिफाइनरी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या अम्लीय वर्षा के प्रभाव को क्या कर दिया जाए, वहां पर रोक दिया जाए। अब एक क्वेश्चन इसमें, चूंकि आपकी टीईटी के सब्जेक्ट में भारत और विश्व का भूगोल भी है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक बार कि विश्व में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहां पर होती है। तो विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां पर होती है, मैं पेन चेंज करके लिख दे रहा हूं, तो नॉर्वे और स्वीडन,
नॉर्वे स्वीडन दो देश हैं, दोनों के दोनों यूरोप महाद्वीप में है। नॉर्वे स्वीडन के क्षेत्र में विश्व की सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। तो नॉर्वे और स्वीडन के क्षेत्र में विश्व की सबसे अधिक क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अभी तक हमने आपको तीन महत्वपूर्ण जल प्रदूषक समझाए, एक पहला समझाया मैंने आपको CO, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड। अब एक और है इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरो यानी क्लोरीन का एक अणु है इसमें, क्लोरीन का, फ्लोरीन एक अणु इसमें फ्लोरीन का है, और एक अणु इसमें किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक अणु इसमें कार्बन का है। तीनों के एक एक अणु मिले और निर्माण कर दिया सीएफसी। सीएफसी गैस निकलती कहां से है, तो सीएफसी गैस प्लास्टिक को जलाने से निकलती है, हमारे एयर कंडीशनर जो होते हैं, ठीक ना, एसी है, हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो इनसे इसकी उत्पत्ति होती है। सीएफसी गैस के कारण ही जो हमारा ओजोन मंडल होता है, ओजोन मंडल या समताप मंडल कह लीजिएगा, समताप मंडल में जो ओजोन गैस की परत है, ओजोन लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजेडो एनी जो ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में जो क्षति हो रही है, उस क्षति को हम ओजोन क्षरण कहते हैं। तो ओजोन क्षरण यानी ओजोन परत की मोटाई में होने वाली कमी को हम ओजोन क्षरण कहते हैं। तो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है आपकी सीएफसी। कौन सी गैस है, सीएफसी, सबसे हानिकारक ओजोन क्षरण के लिए सबसे हानिकारक गैस जो है वो सीएफसी है। अगर ओजोन जो परत है, अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको हम पराबैंगनीकरण है बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनीकरण है, और शॉर्ट में हम यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज की अधिकता बढ़ जाएगी, ज्यादा मात्रा में धरातल पर आएंगी, और दिन प्रतिदिन धरातल का तापमान बढ़ता जाएगा, जिस कारण से कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे चर्म रोग, सफेद दाग, ठीक ना, चर्म रोग, कैंसर जैसी बीमारियां आंखों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। तो कई प्रकार की इससे बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, किसे, सीएफसी गैस से, ठीक ना, इतनी मत क्लियर है। तो हमने अभी तक तीन चीजें आपको पढ़ाई, और तीन चीजें हमने आपको जो पढ़ाई हैं उनको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको, कहां गया ए है, देखिएगा, वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं वायु प्रदूषण, तो सबसे पहले हमने बताया आपको वायु प्रदूषण क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण या वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये भी मैंने समझाया, यानी वायु प्रदूषकों के जो प्रभाव है वो प्रभाव मैंने आपको बताया, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, दमघोंटू गैस होती है, ये सारी चीजें। अब वायु प्रदूषण के उपाय बताइएगा, तो वायु प्रदूषण के कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक हैं, यदि हम उन कारकों पर क्या करें, उन कारकों पर अगर हम अपना नियंत्रण कर लें, तो वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। जैसे जो तेल रिफाइनरीज होती हैं, उनको शहरों से दूर बनाया जाए, ऐसे क्षेत्रों में बनाया जाए जहां पे मानव बस्ती ना हो, अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं, अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राण वायु कहलाती है, जबकि हमारे लिए प्राण वायु ऑक्सीजन कहलाती है। इसके अलावा कूड़ा करकट जो है उसको ऐसे ही ना फेंके, कूड़ा करकट के कारण भी कई प्रकार की गंध उत्पन्न होने लगती है। आप देखते हैं कोई पदार्थ लगातार कहीं लंबे समय से पड़ा हुआ है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, जब सड़ने गलने लगता है तो उससे कई प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, हम नाक बंद करके वहां से निकल जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, ये भी एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे, जो ऐसे वाहन जो है डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, उन्हें तो इलेक्ट्रिक से चलाएंगे, बिजली से चलाएंगे, या उन्हें सीएनजी गैस से चलाएंगे, ठीक ना, सीएनजी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, आप उसे क्या करेंगे, सीएनजी गैस से उनको चलाएंगे, ठीक ना। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं जिनसे हम वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को हम इससे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ ऑनलाइन TET का बैच प्रारंभ हो चुका है। आप लोगों में से जो भी लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक नंबर जारी किया गया है, और नंबर जारी किया गया आपके लिए 8382 नंबर जो है वो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 8382966977779, ठीक ना, एक बार इसको मैच कर लेते हैं, नंबर है 8382966877 और 79, ये नंबर है, इस नंबर पर आपको यूपी टीईटी
UPTETY और ENTRY UPTETY एंट्री लिखकर आपको मैसेज सेंड कर देना है इस नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना। इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, UPTET लेकर सेंड कर दीजिएगा। एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है, कितनी का फीस है, कैसा प्रोसेस है, आपको किस प्रकार एडमिशन लेना है, कब से आपका रेगुलर से बैच चलने लगेगा, इसी नंबर पर आपको सारे डिटेल मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक ना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।